हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपना दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करा, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, जिससे कि आप भी कम से कम टाइम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। अगर हम सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो होता है जीके, क्योंकि 50% काम आपका जीके ही कर देगी। जीके 50 नंबर की होती है, लेकिन जो जीके का जो सिर्फ हमने बोल दिया जीके, अब उसमें साइंस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, स्ट्रेटेजी की भी आ जाती है और नॉर्मल जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये भी आ जाता है। एक जीके होती है ना, वो सबसे मेन रोल प्ले करती है। और स्टैटिक जीके आपको कहाँ से, आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने करा, आप करंट अफेयर्स आप डेली पढ़िए, उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स पे तो पकड़ बनेगी ही, 10 से 12 आपके करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको डायरेक्ट करंट अफेयर होंगे, कुछ आपको लगेंगे ये जीके है पर तो करंट की ही जीके होती है, ठीक है, और उसको ही हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जीके हमेशा चेंज होती है, ठीक है। हिस्ट्री में हम बोल सकते हैं, बट हिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, अगर हमको कोई और सोर्स मिल जाता है तो वो भी चेंज हो जाता है। मैंने 2020 में मैंने तैयारी करी थी, उस टाइम मेरे चैनल भी नहीं था, तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, मतलब वो बताने वाली हूँ चैनल और जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए 2 चैनल मैंने फॉलो करे थे, मिश्रा जी टेक्निकल, MGT और नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। और आप ना विद इन, आप एक वीक में ही, आप अगर एक वीक लगातार करोगे जीके को ध्यान से देखोगे, तो आपको ना एक वीक में ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपको फैक्ट्स जो हैं वो याद हो रहे हैं, रदर देन आप रट रहे हो, आपको वो खुद से खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो डेली रिपीट करते हैं। तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए आप वो कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि करंट तो हम एंड में करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आप साथ के साथ करोगे ना, तो आप करंट भी कर लोगे, साथ में आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ऐसे हम बस सोचते रहते हैं, एंड में हम नहीं कर पाते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है, ऐसे आपकी जीके हो जाएगी। और जीके के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक पे फोकस करा था, वो थी लूसेंट। तो हाँ, लूसेंट इनफ है अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो, बट अब इतना टाइम नहीं है बेसिक नॉलेज लेने का, तो मुझे लगता है अगर आप लूसेंट को 1 से 2 बार भी पढ़ लेते हो तो वो इनफ रहेगी, और सेकेंड ऐसे आपकी जीके हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है रीजनिंग, क्योंकि वो ईजी है, उसमें ईजिली सारे बच्चे जो है वो स्कोर कर लेते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें कौन सी होने वाली है कि आपको नॉन वर्बल पे फोकस करना है, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बच्चे काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करके गए थे बट नॉन वर्बल पे इतना ध्यान नहीं दिया था, और उन्होंने 25 में से आई थिंक 20 क्वेश्चन नॉन वर्बल के डाल दिए थे, तो हमें नहीं पता क्या कब कैसे वो चेंज करते हैं। तो हमें नॉन वर्बल और वर्बल इक्वली हमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आई थिंक रीजनिंग के लिए अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप कोई भी चैनल ले लो, मैंने तो नहीं देखा था, बट आप कोई भी चैनल लेके सारे एक बार अपने चैप्टर कर लो। मैंने जिसको थोड़ा बहुत आता है चैप्टर, जो पहले से कर रहा है तैयारी, उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट करे जितने हो सकें। प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही है, बट मैं ये बोलूँ कि आप प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग कवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10 नंबर होते हैं कंप्यूटर के, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन मैंने जो देखा था, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, तो मैंने क्या करा था कि एग्जामपुर पे एक प्रीति मैम करके हैं, प्रीति मैम, उनकी ना प्ले लिस्ट बनी हुई है, फ्री है वो, उनके चैनल पर आप जाओगे कंप्यूटर फॉर कॉन्स्टेबल और ऐसे करके डालोगे तो वो प्ले लिस्ट आ जाएगी, और उसमें आई थिंक 75 वीडियोज़ थी, और जो कि मैंने 15 दिन में देखी थी, मतलब एक दिन में 3 वीडियोस देखी थी उनकी। बहुत अच्छा वो अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत बहुत अच्छा मेथड है, तो आप जब पढ़ने लगोगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि चलो पढ़ लेता हूँ। तो और मेरे कंप्यूटर में 10 में से 7 आए थे, 7 मार्क्स आए थे, 8 में करके आई थी, 1 गलत था और 7 ठीक थे। तो जो भी गर्ल्स अगर तैयारी करें, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बॉयज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, गर्ल्स में कंपटीशन कहाँ पे कम हो जाता है, एक तो ये ओनली फॉर गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स की अलग आपकी कट ऑफ लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको सिर्फ गर्ल्स के साथ कंप्लीट करना है, तो ये ईजी हो जाता है। दूसरी बात, इसमें हाइट का क्राइटेरिया होता है, तो मोस्ट मतलब काफ़ी सारी लड़कियों की हाइट नहीं होती है उस लायक, है ना, मतलब उतनी,
तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, और इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो आई थिंक मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं करा था, मैं बता देती हूँ कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं करा। तो मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं करा था क्योंकि मैं फ़िज़िकल में निकल गई थी, मैं फ़िज़िकल क्लियर नहीं कर पाई थी, इसलिए अदरवाइज़ तो मैं ज्वाइन कर ही लेती। और मैंने ऐसे ही दिया था, मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरी फील्ड टीचिंग की है एक्चुअली, तो इसलिए। बट मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसी उसमें है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो मैंने इसको क्वालिफाई करा है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और मैंने ऑनेस्ट बताया है, मेरी किसी के साथ कोई डील नहीं हुई है कि उनका मैं नाम ले लूं। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए भी 2 चैनल सजेस्ट करे हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई किसी और से समझ आ सकता है आता है तो आप कर सकते हो। मैंने इनको इसलिए करा क्योंकि इनको मैंने पर्सनली फॉलो करा है, और ये ना स्टैटिक जीके भी कराते हैं। तो आपको ना जब डेली आएगा ना, मान लो आरबीआई के बारे में कोई करंट अफेयर आ गया, तो ये आरबीआई की आपको स्टैटिक जीके बता देंगे। आरबीआई का की स्थापना 1935 में हुई थी, मुंबई में हेड क्वार्टर है, ऐसे करके ही आपको बता देंगे। फिर वो ना आप 3 दिन के बाद मान लो आरबीआई ने फिर कुछ करा, तो फिर से वो रिपीट होगा। तो इस ऐसे आई होप आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगेगी, और काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आप जब क्लियर कर लो तब तो करना, और साथ में आपके घर में आपके रिलेटिव्स में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो दिल्ली पुलिस की तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनका बेनिफिट हो जाए। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और क्वेरी है या आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो। तो थैंक यू।